हेलो दोस्तों, आप सभी दर्शकों को हमारा प्रणाम है। आज हम ये चीज कहने के लिए कैमरा के सामने आया हूँ। ये जो पवन सिंह और खेसारी लाल का जो विवाद चल रहा है, जो ये लोग आपस में लड़ते हैं, भाई क्यों लड़ रहे हो? आप लोग लड़ो नहीं, दोनों एक हो जाओ, दोनों एक होकर के मूवी बनाओ, दोनों एक होकर के भोजपुरी को बढ़ाओ ना, भोजपुरी को बढ़ाओ, भोजपुरी को आठवीं अनुसूची में लेकर के जाओ। आप लोग लड़ोगे, कुछ नहीं होने को है, ये सोचेंगे वो सोचेंगे वो। अभी जो फिलहाल में जो हुआ, पवन सिंह ने तो पूरा वीडियो देखा नहीं। पवन सिंह अंकल लगते हैं, इतना बोल दिया तो वाह, अंकल लगते हैं, उससे पहले भैया बोल रहे थे तो वो नहीं। अरे पूरा वीडियो देखो, पूरा वीडियो समझो, उसके बाद वो क्षमा भी मांगे, उसमें बोले भी कि ये सिर्फ मजाक है, मीडिया के सामने सिर्फ ये मजाक के लिए वाक्य को बोला गया है। तो आप लोग लड़ क्यों रहे हो? क्यों भोजपुरी को बर्बाद करने पर तुले हुए हो? मनोज भैया भी थे इससे पहले मनोज तिवारी भी थे, भरत शर्मा भी थे, ये लोग आपस में तो लड़ते नहीं थे, तो आप लोग क्यों लड़ रहे हो? क्यों भोजपुरी को बर्बाद कर रहे हो? भोजपुरी को आठवीं अनुसूची में अगर करना है, एक हो जाइए, सब एक होकर के मूवी बनाइए, ब्रांड बनाइए। खेसारी लाल और पवन सिंह एक होकर के एक मूवी बनाए, ब्रांड बनाए, तो देखिए भोजपुरी कैसे नहीं आगे बढ़ेगा जी। आपस में लड़ते रहिएगा, भोजपुरी को बदनाम करवाते रहिएगा, बोलते हैं कि भोजपुरी को बदनाम नहीं करेंगे, खराब गाना नहीं निकालेंगे। ठीक है, खराब गाना नहीं निकालेंगे, हम लोग भी आपको गलती नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कभी कभी आप लोग भी गलती कर जाते हैं। ये बबुआन है, वो अहिरान है, ये बबुआन अहिरान करने से बिहार नहीं बदलेगा। बिहार बदलिए, भोजपुरी को बदलिए, भोजपुरी समाज को बदलिए। सबसे अभी नंबर वन पे आता है कला, कला को सभी लोग चाहते हैं, सभी लोग देखते हैं कला को, आपको सभी लोग सुनते हैं। तो इसमें जातिवादी न करें, आपके गानों को हम लोग भी सुनते हैं, हमको सुहाना है। खेसारी लाल ग्वार है, आप पवन भैया राजपूत हैं, तो आप राजपूत की ओर गाना गाइएगा, खेसारी लाल पवन सिंह की ओर गाना गाएंगे तो आपकी गाना को कौन सुनेगा? खेसारी लाल का यादव समाज ही सुनेंगे, पवन सिंह का भगवान समाज ही सुनेंगे। तो भगवान अहिरान ना करें, सभी एक होकर के, एकजुट होकर के भोजपुरी को एक करिए। रितेश पांडे भी है, वो भी इतना अच्छा अच्छा गाना गाते हैं। समाज को एक बनाए, एकजुट होकर के उसके बाद भोजपुरी को बदलिए। भोजपुरी नहीं बदलेगा, भोजपुरी हम लोगों के दिल में बसता है, गर्व से बोलेंगे कि हम बिहारी हैं, हम लोग मगध के रहने वाले हैं, उस मगध के जिस मगध में सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य ये लोग थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। अरे बिहारी होना शान की बात है, लेकिन बिहारी होकर के आपस में लड़ना यही बुरा बना रहा है हम लोगों। आपस में नहीं लड़े, जातिवादी ना करे, बहुत अच्छा रहे, सब एक होकर के चलिए, एक हो जाइए। चंद्रगुप्त जैसे सबको, सारे महाजनपदों को एक किया, उसी प्रकार आप लोग सभी लोग एक होकर के पूरे बिहार को एक कर सकते हैं। तो लड़ क्यों रहे, आइए ना एकजुट होइए, एकजुट होकर के मूवी बनाइए, ब्रांड बनाइए, भोजपुरी को भी ब्रांड बनाइए, साउथ मूवी के जैसा मूवी बनाइए। चलिए